गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, वेरी वेल, हैव अ ग्रेट मॉर्निंग। तो आज हम एक बार फिर से एक नए आसन की चर्चा करेंगे। आसन का नाम है बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल आसन, उस्त्रासन, ऑल्सो नॉन फॉर कैमल पोज। अगर किसी को बैक पेन है तो ये बैक पेन को ये स्पेशली बैक बेंड में आता है। बैकबेंड पोज और बैकबेंड आसना में इसको गिना जाता है, बट इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो इस आसन की खूबसूरती ये है कि इसके कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, इसको कोई भी कर सकता है। हाँ, ये है कि किसी का रेंज ऑफ मोशन ज़्यादा है, किसी का कम है, लेकिन इसको कर कोई भी सकता है। दूसरा, ये अगर आपको किसी को बैक पेन है तो बैक पेन में रिलीफ करेगा। और ऑल्सो नॉन फॉर ये चेस्ट ओपनर आसन है। ये अपने लंग्स को अच्छी ऑक्सीजन भी देता है, अपने इंटरकोस्टल मसल या अपने रिब केज पूरी सी वाइड एंड ओपन हो जाती है, शोल्डर को भी रिलैक्स मिलता है, अपने नेक को भी रिलैक्स मिलता है और अपने एंकल को भी रिलैक्स मिलता है। और स्पेशली इसका एक और है, जो पीपल जिमिंग जाते हैं या जो स्क्वाट प्रॉपर नहीं कर पाते हैं, उनके टोज में या उनमें दिक्कत आती है, तो ये पोज में, क्योंकि इसमें आपके टोज प्लांटर फ्लेक्स रहते हैं तो टोज की भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है जो प्रॉपर स्क्वाट में नहीं बैठ पाते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इस पोज को कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको इस पोज को करके दिखाता हूँ, देन हम इसके बारे में बात करेंगे। सेट आवर उस्त्रासन। अब मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या डिफिकल्टी हो सकती है और अपन को कैसे स्टेप बाय स्टेप इसको करना है। या तो दंडासन में आ जाइए या पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन से आप हो, उसके बाद में नीलिंग पोजीशन में आइए, अपनी दोनों नी मैट पे। कभी कभी किसी किसी को जिनके बोनी नी या थोड़े मसल यहाँ पे नहीं होते हैं तो उनको ये चुभ सकता है, तो वो उसके लिए और भी कुछ कुशनिंग डाल सकते हैं मैट के ऊपर, ताकि आपके नी के ऊपर आपको चुभेगा नहीं। सम टाइम इट कुड बी हैपन। देन आपको क्या करना है इसमें, सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने की बात है अपनी ब्रीथ, क्योंकि जितने भी अपने बैक बेंड के आसन हैं उसमें ब्रीथ, वैसे हर आसन में ब्रीथ इम्पोर्टेंट रोल करता है, लेकिन इसमें क्योंकि स्पाइन का सीधा कनेक्ट होता है अपना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पाइन और अपने हेड का एक साथ कनेक्शन होता है, तो इसमें काफ़ी बार आपके इमोशन भी रिलीज होते हैं। तो आपको यहाँ से अपनी टेल बोन को टक करना है, और एनाटॉमिकल टर्म्स में इसको बोलते हैं पोस्टीरियर टिल्ट। टेल बोन को टक करना है, मेक श्योर ऑलवेज रिमेंबर, इनहेल, लॉन्ग इनहेल करते हुए आपको मेक श्योर आपकी नी एंड हिप शुड बी वन लाइन, ये एक लाइन में होनी चाहिए। देन ये आपने टेल बोन को टक किया, पोस्टीरियर टिल्ट दिया, एक्सटर्नल रोटेट योर शोल्डर, शोल्डर को बिल्कुल एक्सटर्नल रोटेट करना है, डीप इनहेल करना है ताकि आपके पैक या आपके जो इंटरकोस्टल मसल रिब केज है ये बिल्कुल वाइड और आपके लंग्स पूरे के पूरे खुल जाएं इसके अंदर। फिर आपने आया पोस्टीरियर टिल्ट दिया, शोल्डर को एक्सटर्नल रोटेट करना है, ऑलवेज रिमेंबर जो अपने अपोजिट मसल होते हैं उनको इंगेज करना है, फ्रंट मसल, इसमें ये सुपरफिशियली फ्रंट लाइन है, ये पूरी की पूरी मसल स्ट्रेच होगी, जस्ट अपने क्वाड्स, अपने हिप फ्लेक्सर्स, अपना एब्डोमन स्पेशली रेक्टस एब्डोमन, अपना पैक, चेस्ट एंड नेक। If you have some neck issue and don't give unnecessary strain on your neck, otherwise neck should be extended. Give posterior tilt, external rotate your shoulder, retract your
स्कैपुला मसल पीछे से या जो पीछे वाली मसल है उनको बिल्कुल रिट्रैक्ट करना है इनहेल करते हुए, पोस्टीरियर टिल्ट के साथ टेल बोन टक, देन पाम्स ऑन द योर सोल ऑफ द फीट एंड एक्सटेंड योर नेक। कीप ब्रीदिंग, डोंट फॉरगेट टू ब्रीथ, कीप ब्रीथ, कीप ब्रीथ। नाउ यू कैन स्लोली एंड स्टेडी कम बैक। ये बैक बैंड है किसी भी आसन का, फिर काउंटर पोज करना चाहिए। तो अपन को इसके फॉरवर्ड बैंड के लिए अपन चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। फिंगर शुड बी स्प्रेड आउट, फोरहेड ऑन द मैट एंड हियर कीप नॉर्मल ब्रीथ। काउंटर पोज के लिए हम चाइल्ड पोज कर सकते हैं और पवन मुक्त आसन कर सकते हैं। उस्त्रासन के बाद में सीधा क्लोज योर बोथ नी एंड बोथ नी टुवर्ड्स योर चेस्ट एंड हग योर नी। यू कैन स्टे देयर फॉर फ्यू सेकंड्स। क्लोज इफ यू आइज क्लोज कैन यू टेल विजुअलाइजेशन एंड यू कैन फील योर फिजियोलॉजिकल। We can use the probe. Probe just side, we can stay here just behind our knee, or we can change the orientation this side, and all thing will be remember same. Hip and knee should be in one line. Inhale, inhale. If you are more tight, then no problem. You will get, because this is the back bend, you will get same benefit. If you don't have probe, that's no problem. You can do just like this. Your both palms on your lower back. Slowly and gradually you will increase. इसमें आपको कोई जल्दी नहीं करनी है क्योंकि आसन शुड बी स्थिरम सुखम। तो ये हो गया अपना उस्त्रासन, जो जैसे मैंने आपको बताया ना, अपने लंग्स से संबंधित जो भी कोई दिक्कत हो या जो भी रिस्पायरेटरी से संबंधित दिक्कत हो या जो ऑफिस में सेडेंट्री लाइफ जीते हैं, काइफोसिस जिनके हंच बैक हो, उनके लिए आसन बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने एक बदक कोण आसन के बारे में बात की थी जो एक फॉरवर्ड बैंड था, आज हमने एक बैक बैंड की आसन के बारे में बात की। अगली बार हम किसी ट्विस्ट या अनदर आसन के साथ मिलते हैं। हैव ए गुड ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।